हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। सो इसके बारे में आज अपन कंप्लीट में चर्चा करेंगे कि इसका क्या एडमिशन प्रोसेस है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे कितना कट ऑफ जाता है, सारी पूरी चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए जो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, CUCET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जैसे ये आप वो टेस्ट देते हैं, वो 400 नंबर का पेपर होता है। पहले इतने साल तो जो पेपर होता था वो 100 मार्क्स का होता था, लेकिन पिछले साल से जो एग्जाम ये NTA कंडक्ट करवा रही है, सो जो पेपर होता है वो 400 नंबर का होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो जो भी 400 नंबर होते हैं उसके हिसाब से जो है आपकी जो भी मेरिट बनती है। ओके, और इसके 400 का कैसे होता है, जैसे आपका एक तो फिजिक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया, एक मैथमेटिक्स हो गया, राइट, एक इंग्लिश हो गया और एक रीजनिंग हो गया, सॉरी ज्यादा हो गया क्या, ओके राइट, कुल मिला के 4 सब्जेक्ट होते हैं उसमें, ठीक है। तो 400 नंबर का पेपर होता है। अब अपन इसके कट ऑफ की बात करते हैं कि कैसे कितना कट ऑफ किया जाता है और इसके क्या कंडीशन है, किस पोजीशन पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। सो यार, मैं पिछले वही बहुत सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसके खिलाफ कोई कंप्लेन वगैरह नहीं आई मेरे पास। ओके, और जैसे कि मैं इसकी काउंसलिंग वगैरह करता हूँ, ओके, और जैसे भी एडमिशन प्रोवाइड करते हैं उनकी जो रिपोर्टें आती है, मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर मैं बताऊं तो जो सबसे ज़्यादा अगर एडमिशन लेने के लिए अगर मार्क्स CUCET में चाहिए तो वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के अंदर टॉप के अंदर आता है ये CUCET राजस्थान। ओके, इसके अंदर जो मार्क्स है वो आपको एटलीस्ट सबसे ज़्यादा, अगर मैं टॉप सब्जेक्ट अगर बात करूँ तो इसके जो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है MSc फिजिक्स, MSc मैथमेटिक्स, उनका थोड़ा सा ज़्यादा बोलबाला रहता है। और जो बच्चे MSc वाले हैं, फिजिक्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, तो उनको तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई लेना पड़ता है भाई, 300 प्लस मार्क्स जाते हैं, यहाँ पे 315 भी चला जाता है। ओके, सो जितने भी बच्चे हो आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि स्पेशली यहाँ पे अजमेर, जयपुर या सीकर, नागौर, ठीक है, हमारे सीकर वाले जो भी भैया हैं, ठीक है, अगर यहाँ से अगर कोई बिलोंग कर रहा है तो उनको बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। ओके, अगर आपको और अगर राजस्थान में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि राजस्थान में बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपने सुना होगा कि जयपुर में भी कुछ कॉलेजेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में सिर्फ एक ही है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के नाम से जानी जाती है, जो कि अजमेर के अंदर किशनगढ़ के अंदर है। ओके, और इसका कट ऑफ आपको पता चल गया कि आपको एटलीस्ट कम से कम 300 तो लाना ही पड़ेगा ना इस बार। और अगर मैं जो अप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को तो अभी तक पता ही नहीं होता था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी होते हैं, तो हर साल एटलीस्ट 20 से 30 हज़ार अप्लीकेशन इंक्रीज होते जा रहे हैं। आप मान सकते हो इस साल 50 हज़ार अप्लीकेशन भी इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है यार आने वाले फ्यूचर के अंदर, बहुत ही ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, तो आप उसके हिसाब से ही प्रिपेयर करें। बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करवाते हैं CUCET, जो भी बच्चे हो, आसपास के बच्चे हो, राजस्थान के ही हो, राजस्थान में ही पढ़ने चाहते हो, तो आप लोगों को इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। और भी अच्छे कॉलेजेज हैं, जैसे MNIT जयपुर है, IIIT कोटा है, जैसे MBM जोधपुर है, और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं, तो आप उनमें भी पढ़ सकते हो, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आपको उसके बारे में तो कुछ पता चल ही गया। अब अप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो जनरली मार्च के अंदर आ जाता है, अगर सिचुएशन ठीक रही तो मार्च के अंदर आ जाएगा, और आपके जो एग्ज़ाम है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर कंडक्ट किए जाएंगे, और सारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा, मई के अंदर आपका रिजल्ट आएगा, जून के अंदर आपकी काउंसलिंग चलेगी और जुलाई से आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ये नॉर्मली जो इसका फाउंडेशन शेड्यूल रहता है, अब देखते हैं क्या होता है, जैसे ही कोविड की सिचुएशन ठीक होती है जल्द से जल्द हो जाना चाहिए वैसे, और गवर्नमेंट वाले भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सिचुएशन ठीक हो और उनका काम जल्द से जल्द बढ़े, क्योंकि बहुत सारे सेमेस्टर आगे पीछे चल रहे हैं ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन, सभी को पता है, और ब्रांड यूनिवर्सिटी है वैसे, तो आप टारगेट कर सकते हो। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप मेरा नीचे गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, हमारी एक्सपर्ट टीम फ्रॉम CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटियों से भी है,
तो वो आपको उसके हिसाब से गाइड करेंगे, बताएंगे इसके बारे में आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या जनरल एडब्ल्यूएस से है, तो आप अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवा के रखें, ठीक है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू।